आदाब नाज़रीन, मैं सैयद माजिद आप सबका इस्तकबाल करता हूँ आज के खुसूसी प्रोग्राम में, जिसमें हम एक म्यूजिक की बात करेंगे। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो दिलों को सुकून पहुँचाती है और हम सबको जो दुनिया की टेंशन से, जो काम की टेंशन रहती है और दुनिया की जो भी हमारी परेशानी है उससे राहत देती है। आज हम कुछ ऐसे लोगों के साथ है जो अपना कीमती वक्त निकालते हैं और म्यूजिक के लिए वो वक्त को वक्त करते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस, कोई बिजनेस मैन है और कोई अपने बोर्ड लेटर, कोई अपने गवर्नमेंट सर्वेंट है, अलग अलग काम करने वाले अलग अलग लोग हैं जो अपना कीमती वक्त निकालते हैं और अपने म्यूजिक के लिए अपना सब कुछ देते हैं। तो आइए ये लोगों से मुलाकात करते हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं, ये ऐसा ग्रुप है जो आम इंस्ट्रूमेंट के अलावा मौत ऑर्गन को प्रमोट करता है। मौत ऑर्गन जिसे शोले फिल्म में जय ने मशहूर किया था, उसी मूवी को देखकर शायद हमारे ये ग्रुप के मेंबर विनायक साहब जो इंस्पायर हुए और इस मौत ऑर्गन के लिए अपना काम करते हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। विनायक साहब, बताइए कि आपको मौत ऑर्गन में इंटरेस्ट कब से आया? हाँ, मेरे को मौत ऑर्गन में शोले पिक्चर देखने के बाद ही मेरे को मैं इंस्पायर हो गया मौत ऑर्गन सीखूं, क्योंकि वो सबसे सस्ता और कहीं पर भी लेकर घूम सकते हैं और कोई भी उसको बजा सकता है। आपको बजाना आए या भी ना आए, उसकी आवाज़ इतनी मधुर है। तो सोचा, ऐसे दिल में आ गया कि चलो मौत ऑर्गन बजाना चालू कर देते हैं। ये मौत ऑर्गन में और बाकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली माउथ ऑर्गन ये बेसिकली फ्री रीड इंस्ट्रूमेंट है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसमें फ्री रीड्स है, रीड्स जो है वाइब्रेट होकर उससे साउंड निकलती है। और ये चाइना का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली फ्री रीड इंस्ट्रूमेंट चाइनीज कॉन्सेप्ट है। शेंग करके एक इंस्ट्रूमेंट, चाइनीज इंस्ट्रूमेंट आता है, जब यूरोपियन लोग जैसे मिशनरी लोग थे, जब चाइना वगैरह एशिया में घूमने लगे एक दो तीन सदी पहले, तो उनको ये शेंग इंस्ट्रूमेंट मिला। तो वो ये शेंग इंस्ट्रूमेंट यूरोप लेकर चले गए और बाद में उसके ऊपर डेवलपमेंट होते गया। कई लोग उसके वो फ्री रीड का जो टेक्निक था उसको फॉलो करके अब हारमोनियम बन गया और एकॉर्डियन बन गया, और वैसे ही उसको ही स्मॉल पियानो के हिसाब से माउथ ऑर्गन बनाया गया। आइए नादिन, हम हारमोनिका क्लब से उनका एक एंथम, उनका अपना एंथम सुनते हैं। ये एंथम बहुत फेमस हुआ है और ये सभी लोग, पुराने लोग ये गाना जानते हैं, देवानंद का मैं अपना दिल को आवारा, और ये 16 साल पिक्चर का, और ये बेसिकली माउथ ऑर्गन के लिए इसको कंपोज किया गया था। तो हम यही गाना, ये हम इस गाने को हमने एंथम बनाया है हमारा, और इसी गाने को हम ग्रुप में प्ले करेंगे।
Thank you very much. I'm Mr. Rajkumar. I learned this motor organ in the year 1961 after seeing the movie of Dosti. Dosti ne dekha tha wo. तो एक लंगड़ा बच्चा एक अंधेरा रहता उसने एक लंगड़ा बच्चा बजाता है मोटरगन वो सिक्के में सिक्का 1961 सिंस देन आई एम प्लेइंग द सेम इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट आई परचेज वन हारमोनी का स्मॉल वन मेड इन इंडिया का भारत मोटरगन परचेज करा उसके बाद में अभी नाउ आई एम प्लेइंग हीरो बटन मोस्ट ऑफ दम आई विल प्ले ओनली हॉर्नरी मोटरगन बट सिंस 1961 आई एम प्लेइंग दिस मोटरगन व्हाट डू यू डू सर I am actually retired Assistant Commissioner Panchayat Raj Department. So now I am going to play a song from 400 beats. The oldest song is Raj Kapoor ka picture. Now I am playing the same song. से जब मैं बीमार पड़ा था हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होना चाह रहा था पिताजी बोले मैं कुछ आपको शाम में ले आऊंगा कॉमेट मोटरगन हॉनर का लेके आए उन्होंने ही हमको सिखाया जनगण मन पहले गाना था जो मैंने सीखा था कैन यू प्ले फॉर यस आई कैन प्ले द आई हैव दैट मोटरगन विद मी हियर इट्स अ ग्रेट मोमेंट प्लेइंग दिस सॉन्ग आई होप आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू इट मेरा नाम शिवराज है 1956 से मोटरगन बजा रहा हूँ 1956 से मोटरगन बजा रहा हूँ ये जो है मैं किसी से सीखा नहीं है वैसा मोटरगन मिला था तो उससे जो है वो अपना आप जो है वो चुन माइंड में रख के उसको बजाते रहा 50 साल से बजा रहा हूँ लेकिन जो है मेरे को कोई गुरु नहीं मिला इधर आने के बाद साइड से बजाने के बाद
मैं जो है एक्चुअली कई दोस्त मिला उनके साथ बजाते बजाते मैं 50 साल से जो बजा रहा हूँ वो सही है करके इधर आने के वक्त तसल्ली हुआ है। तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है? हेल्थ प्रॉब्लम ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं, तो ये बजाने से जो है ब्रीथिंग जो है एकदम फ्री हो जाता है, बस कई रिलैक्सेशन। तो आप लोग ये रोज बजाते हैं? रोज आपकी मीटिंग होती है? दिन में जब फुर्सत मिल जाता है तो आनंद के लिए कोई चून नया चून मिलता है तो जो है उसको बिठाने के लिए कोशिश करते हैं। आपकी नई चून क्या है? आपके अब आपकी लेटेस्ट चून क्या है? HMC. I'm fond of morphosis. I started playing this morphosis since 1967, maybe, I remember. Actually, I was inspired by one friend, my close friend. He was a Parsi gentleman. He used to work in this, as a sailor in the ships. So he used to carry morphosis in his pocket. So he used to play morphosis whenever he used to come to my house. And I thought better I should learn one day. Slowly I bought one morphogram, hero morphogram in those days. So I started playing, observing his songs. Then slowly I practiced it. Now I can play morphogram. और आप सभी को हेलो हैदराबाद की तरफ से नमस्कार। मुझे तो ये इतना छोटा और ब्यूटीफुल मेलोडियस ये जो माउथ ऑर्गन है मुझे अच्छा लगा तो मैं ये ग्रुप में ज्वाइन हो गया। और बस हाउ मेनी इयर्स यू आर प्लेइंग? बस ज्यादा नहीं, 2-3 साल ही हुआ है। ओके, आपको इंटरेस्ट कैसा है? बस ये इतना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इतना ब्यूटीफुल, इतना मेलोडियस है कि कोई भी इसको चाहेगा। What do you do, sir? मैं एक छोटा शॉपकीपर हूँ, बिजनेसमैन हूँ।
और ये जो टाइम मिलता है उसमें ये बजाकर अपना एंटरटेनमेंट और सीखने का ट्राई करता हूँ। Okay, और ये हमारी दोस्ती के लिए एक छोटा सा गाना मैं एक दो लाइन बजाऊंगा। हारमोनिका ग्रुप ने अपना एंथम यानी कि है अपना दिल तो आवारा 16 साल मूवी सुनाया था। अब मैं चलिए हम अपनी पसंद से कुछ छोटे से नगमे सुनते हैं। तो विनायक साहब क्या मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग मेरे सपनों से गाया जो एक टोटली एक्सटिंक्ट चीज है जो एकदम गुम हो जा रहा है उसके वो लोग जिंदा कर रहे हैं अपनी मेहनत से अपनी लगन से। इंशाल्लाह हम और भी कई ऐसे मौजूदात लेकर आपके सामने आ रहे होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए।